कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुणावगण न विचारो कोई, मटी का क्या तो पे स्वामी, मानस की गत ही कोट पराद हमारे खंडों, अनेक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन विरद रखावो सुकहो टल गुर सेविए, अहनस सहज सोपाए, दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, वडहंस महला तीजा, एहो शरीर जजरी है इसनो जार पहुंचाए आए, गुर राखे से उबरे होर मर जम्मे आवे जाए, एहो शरीर जजरी है इसनो जार पहुंचाए आए, गुर राखे से उबरे होर मर जम्मे आवे जाए, होर मर जम्मे आवे जावे, अंत गए पशुतावहे बिन नावे सुख न होई, अथ कमावे सो फल पावे, मन मुख है पत खोई, जमपुर कूर अंधार महागुबार, ना तिथे पैन ना पाई, एहो शरीर जजरी है इसनो जार पहुंचाए आई, जमपुर कूर अंधार महागुबार,
ना तिथे पैण ना पाई, एहो शरीर जजरी है, इसनो जार पहुंच आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चवर शत्र तख दे मालिक, दया सिंध कृपा निद गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु, धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जिन्हों उत्ते सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जियां ने अपार बख्शिश कृपा कीती है, अपने पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन और इशनान बख्शिश कीते हन। अमृत वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जियां ने प्रकाशमान होके समुची मानवता दे कल्याण हित जो मुख वाक हुक्मनामा साहिब दी बख्शिश कीती है, इस पावन मुख वाक दी विचार करन वास्ते आपां गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे जुड़ बैठे हाँ। अज दा ये पावन शब्द सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जियां दा उचारण किया होया, वडहंस राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 584 और 85 उत्ते सुभाए मान है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी सानू इस शरीर दी असलियत समझा रहे हैं। हर रोज गुरु दरबार विच कथा सुनने वास्ते आना वड्डे भागां दी निशानी है, पर साध संगत जिन्नी देर सुन जा सुनाउण वाले नूं मकसद दा ना पता होवे उन्नी देर मंजिल प्राप्त नहीं हुंदी। सब तो पहला मंजिल दा ज्ञान होना जरूरी है, फिर मार्ग ते चलिया होया सफल हुंदा है। जे मंजिल भुल जाए तो सैकड़े मील ड्राइव किया होया मनुख का व्यर्थ चलिया जाता है। तुसीं घर तो दूर दरेडे तो चल के आए हो, सब तो पहला चलन लग्या मंजिल मिथी मन विच कि आपां श्री अमृतसर साहब जाना है। फिर श्री अमृतसर साहब पहुंचण दे कई रस्ते होणगे, डायरेक्शन दसी जांदी है वे अवी रस्ता जांदा है अवी रस्ता जांदा है। राह उत्ते चलिया ताइयों सफल हुंदा है जे मंजिल याद रवे, जे मंजिल ही भुल जाए रस्ते ते चलिया होया व्यर्थ हो जांदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दे चरणां विच्चों हर रोज़ आपां सतगुरु जी की मत सिखण वास्ते आईदा। गुरु की मत सानू मंजिल वल दे पासे प्रेरदी है, गुरु की मत सानू मंजिल का ज्ञान दिंदी है। इसलिए साध संगत गुरु दे कोलों मत सिखण वास्ते आपां बैठे, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का किसी नाल लिहाज नहीं है। पातशाह ने कहा ना सुनन वाले कल्ले सफल ने ते ना भाई सुनाउण वाले। ऊ सुनते पुनीत कहते पवित जरूर ने, पर जे वो सुनिया होया मंजिल मंजिल वल तुर पवे। इनू फिर ध्यान नाल सुनियो, ना सुनन वाला सफल है
ना खाली सुनाउण वाला सफल है, पातशाह ने बचन कह भाई कमाउण वाला ही सफल है। कोई सुनी जावे भाई गुरदास साहब जी ने एक कवित लिखे है, कहते ने लिखिया हुआ मील मत पत्थर पढ़ी जावे जां किसी कोलों सुनी जावे, वे इत्थों इन्ने किलोमीटर श्री अमृतसर साहब है की सुनने नाल पहुंच जाएगा, की पढ़न दे नाल पहुंच जाएगा। वो पढ़ी जा रहे है वे इन्ने किलोमीटर है, इन्ने किलोमीटर है, पढ़न नाल नहीं पहुंचेगा, तुरन नाल ही पहुंचेगा। पूछत पथिक ते मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बतन के जाइए, पूछत सुहागण कर्म है दुहागण के, हृदय वे विचार कत सिजा बुलाइए। साध संगत जिन्नी देर ओदे उत्ते तुरया ना जावे मंजिल नहीं आती। फिर मंजिल का बार बार टारगेट का ध्यान रखना पैंदा है, सुरती विच रखना पैंदा है। ताइयों हजूर बचन कहणगे गावेया सुनिया तिनका हर थाए पावे। ये शब्द इत्थों शुरू हुंदा है, तुसी रोज सुनदे हो। कई बार पातशाह कई बार ये हुक्मनामा भी बख्श दिंदे ने सिद्ध, सेवक सिख पूजन सब आवे। पढ़ो सेवक सिख पूजन सब, सेवक सिख पूजन सब, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी, जिन्हें गुरु का हुक्म सत करके मनना शुरू कर दिता है, जिहड़ा तुरन लग पे है भावें एक कदम ही तुरद है पर सही तुर रहा है, सही राह ते तुर रहा है, एक कदम भी तुर रहा है, उन्हें पहुंच जाना है। रस्ता गलत होवे वो पहुंच नहीं सकता, ना तुरे तदों भी नहीं पहुंच सकता। पातशाह रोज मत बख्शिश करते ने। अज श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने शरीर की असलीयत समझाई है, भाई शरीर दियां लोड़ां विच ही खचत होके ना रह जाई, क्योंकि तेरा शरीर जजरी है। जजरी का अर्थ है जिहड़ी चीज नाशवंत होण वास्ते वध रही होवे, जिहड़ी नाशवान होवे, जिहड़ी नाश होण वास्ते तुर रही होवे। ताइयों शरीर दे नाल जदों संसार दी गल कीती, संसार दा अर्थ ही विद्वानां ने इह कीता है जिहड़ी चीज़ सरक रही होवे, अपनी जगह तो हिल रही है, अपनी आयो तो घटदा जा रहा है, इहनूं संसार कहिंदे ने। शरीर नूं जजरी कहिआ क्यों, इह नाशवंत है और नाश होण वल दे पासे तुर रहा है, दिन रात तुर रहा है। पातशाह रोज याद कराते ने जदों राती सौण लगे सोहला साहब पढ़ोंगे, उहदे विच हजूर कहते ने भाई दुनिया के तमाम रस्ते हो सकदे दिने चलण ते राती ना भी चलण, तेरी उम्र तो दिने भी घटदी है ते रात भी घट रही, तेरा शरीर तो दिन ते रात करके जर्जरी हो रहा है, नाश होण वल जा रहा है। दिन ते पहर पहर ते घरिया आप घटे तन शिजे, दिन करके पहर करके घड़िया करके तन शिज रहा है। इनू हजूर याद कराउंदे औद घटे दिन सुरैणारे, दिन ते रात करके घट रहा है। पढ़ो औद घटे दिन सुरैणारे, महाराज फिर की करिए, कहिंदे इन्हें तो घटदा ही रहना है, पर एक कम कर जे तू काज सवारना चाहना है फिर मना गुरु नू मिल ते जप सतनाम श्री। मन गुर मिल काज सवारे, शरीर नू कटनो नाश होनो जर्जरा होण तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये ते कटना ही कटना है, पर तू अपना कार्य सवार, क्योंकि ये शरीर जर्जरा है। इनू हजूर ने बचन कह कबीर बेड़ा जर्जरा, फुटे शेक हजार हरुए हरुए तिरगे डूबे जिनसर भार। जिन्होंने शरीर करके बहुत कुछ इकट्ठा करके चिंता डिप्रैशन होर संसार दियां बातां विकारां दा भार इकट्ठा कर लिया वो डुब गए। इन्हें घटना सी पर तू हल्का रहना सी, वो सुरती करके शब्द नाल जुड़न तो बाद हल्का होना सी।
शरीर नू जर्जरी भी कहे और बाणी पढ़ियो शरीर नू धर्म भी कहे। महाराज ने एक थां ते श्री गुरु रामदास महाराज जी गौड़ी दी वार अंदर कहिंदे ने पौड़ी एह शरीर सब धर्म है। अज गुरु अमरदास महाराज कहिंदे शरीर जर्जरी है, उत्थे हजूर कहिंदे एह शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कढ़े खोत। इत्थे गुरु कोल गुरमुख सेवक बन के तां बैठी दे, गुरु दी मत नाल खोज कर लईदी है शरीर चो निकल सकदा कुछ। मनमुखां दे कोल शरीर है, वो बुरे पासे विकारां वल संसार दे पद्धर ते रह जाणगे। गुरमुखां दा शरीर है, वह गुरु की मत लैके इस शरीर नूं धर्म वल दे पासे लाउणगे, कोई सेवा सिमरन वल दे पासे लाउणगे, चंगे कर्म वल दे पासे लाउणगे। जिन्हां नूं गुरु की मत नाल ज्ञान मिल गया वे शरीर नाल फिर धर्म कमाउंदे ने। है उहो शरीर, इहो जिहा शरीर मनमुख नूं भी मिलदा है, गुरमुख नूं भी मिलदा है, शरीर इक्को जिहे ने। हो सकदा है साकत दा शरीर गुरमुख दे शरीर नालों तकड़ा होवे पर वह जन्म हार जांदा है, धर्म वल दे पासे नहीं लाउंदा, क्योंकि गुरु की मत नाल खोज होनी है। तां हजूर कहिंदे इह शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कढ़े खोत। सब आत्म राम पछाणिया तां इक रविया इक्को ओत पोत, इक देखिया इक मन्या इक्को सुनिया श्रवण स्रोत, जन नानक नाम त्याए तू सच सच्चे सेवा तरी। कहते भाई ये जन्म सफल हो सकता है। फिर इस शरीर बारे हजूर जानकारी देंदे अज पातशाह की कहिंदे ने। फिर गुरु अमरदास महाराज जी दीआं दो पौड़ियां शरीर नाल संबंधित आपां होर विचारांगे। पातशाह की बख्शिश कर रहे ने, प्यार नाल सरवण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, वडहंस महला तीजा। एहो शरीर जजरी है, इसनो जार पहुंचा आए। आखो सतनाम श्री, गज के आख्या करो सतनाम श्री। ये शरीर नाशवंत है, नाश होने वाला है, नाश होण वल तुर रहा है, इसलिए पातशाह कहिंदे इसनों जर पहुंचे आए। जर दा अर्थ विद्वाना कीता बुढ़ेपा, कहिंदे इनू बुढ़ेपा आना ही आना है। यह बुढ़ेपे वल नाशवान होने लई नाशवंत है, नाशवान होने लई वध रहा है, इसलिए भाई इनू बुढ़ेपा आंदा है। बुढ़ेपा आने तो इनू कोई रोक नहीं सकता। देखो कोई बाहरों बाल तो काले कूले कर सकता है, भी थोड़े सालों ले लगे बंदा जवान है, पर अंदरों बुढ़ेपा नहीं तुसी रोक सकते। ये दिसन लग पैंदा इस तरह की भी टकनीक लोकां कढ़ लई वे दवाई लो, कई कई हजारां लखां रुपया लगता है, कहिंदे झुरड़ियां नहीं दिसदियां, बाल भी काले कर लईदे ते चेहरे तो भी नहीं पता लगता। जिन्हां बंदिआं ने रब की कुदरत के खिलाफ इस थ्योरी नूं यूज किया, माफ करो वो बंदे भयानक बीमारियों के शिकार होए। फिर बाद विच वो चीज़ ने शरीर नूं भयानक बीमारियों विच ग्रसिया। फिर कुदरत दे उल्ट ऐ नहीं हो सकता। तुहानूं अनेकां प्रमाण मिलणगे जिन्हें लखां रुपया ला के कहा उम्र छपा लेनी है, उन्हां दा अंत पढ़ लिओ की होया। अनेकां बॉलीवुड के एक्टर जिहड़े ने वो अपनी उम्र छपाउंदे रहिंदे ने, अखीरला समा वेखो फिर की बणदा। साध संगत इसलिए पातशाह कहिंदे इहनूं जर आउण तों बुढ़ेपा आउण तों कोई रोक नहीं सकदा, पर एक गल है जन्म सफला करना चाहुंदे फिर गुरु दी शरण विच जाना पएगा। गुर राखे से उबरे होर मर जम्मे आवे जाए। कहिंदे जिन्हां नूं गुरु ने रख लिया वह उबर गए, शरीर तां बुढ़ा होया
पर गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, जिन अंतर सुरत ज्ञान उन्हां नूं गुरु ने रख लिया जमा दे वस नहीं पए, वार बार जन्म मरण तो बच गए। क्यों? गुरु ने याद करा दी। केड़ी गल के बहु परपंच कर पर धन लिया वे, एवें धोखा धोखा करके माया ना घर नूं लियाई जाई, ये जिन्नी तू लियानी है उन्ने खर्चे बच जाने तेरे, पुत्तां धीआं परिवार उत्ते लटाएगा खर्च देगा, पर याद रखी अंत वेले लेखा तेरे कोलों ही मंगया जाने, तेनू लेखा देना पैने, कर्म तेरे शरीर ने किते ने, किसे पुत्र धीआं परिवार ने लेखे विच सहाई नहीं होना। गुरसिख नूं गुरु याद करांदे कि बहु परपंच कर पर धन लिया वे, सुत दारा बयान लुटावे, मन मेरे भुले कपट न कीजे, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजे। फिर अज दी पंक्ति नाल मिलदी जुलदी पंक्ति कही, कहिंदे छिन छिन तन शीजे जरा जनावे, बुढ़ापा आउणे ते याद रखी जिन्हां लई माया वही मरनी करके गंज जोड़े ने, हो सकदा है तैनू चुली भर पानी भी ना देण, अंत वेले चुली भर तैनू हो सकदा पानी भी ना देण। कईआं नूं तां इत्थे ही छड्ड जांदे ने, विदेशों आउंदे कोई नहीं, ते जिन्हां नूं नाल लै गए कोई भागां वाले जिहदी औलाद सेवा करदी है, नहीं तां माफ करियो शरीर जर्जरा हो के रोगी हो जाए, उत्थे लोक जमा करा दिंदे ने। जितों बुढ़ापा संभिया नहीं जाता कोई बुजुर्ग उन्होंने वह जमा करा देंगे ने, उत्थे फिर वह कहें साल दो साल चार साल ये दुख भोगे कष्ट सहे, जिदन मर गए उदन कॉल कर दो, वह भी एको ही कॉल करते हैं, जे तुम चले गए अपने बुजुर्ग को देख लाश लैन ठीक है, नहीं वह कर देंगे काम उत्थे, उन्हें तो फ्यूनल ही करना स्विच दब के। पातशाह ने पहले आगाह किया हो, पुत्तां धीआं नूं पाल तेरी जिम्मेवारी है, पर बेईमानी ना करी तेनू लेखा देना पए, ऐसा कम मूले ना कीचे, जित अंत पछो तई है, छिन छिन तन शीजे जरा जनाबे, तब तेरी ओ कोई पानी ना पावे, कहत कबीर कोई नहीं तेरा हिरदे राम की ना जपे सवेरा। इतों पहला के मौत का सूरज चमक पवे, रब का नाम जपना शुरू कर। अज हजूर कहिंदे गुर रखे से उबरे, जिन्हां नूं गुरु ने मत दित्ती उन्हां नूं रख लिया, वो जन्म मरण तो बच गए। और मर जम्मह आवह जावह, अंत गए पछतावहे, बिन नावह सुख ना होई। कहिंदे होर जिहड़े गुरु तो वख रहे, जिन्हां नूं गुरु की मत नहीं संसार की मत रही, भाई वह जन्म मरण विच पए, अंत नूं पछताए जन्म हार के, नाम तो बगैर सुख नहीं मिलिया, सब कुछ व्यर्थ चला गया, भुलेखा रहा मन विच, शायद सुख मिलेगा शायद सुख मिलेगा, इस भरम विच ओ गुरु तो बेमुख रहे, संसार वल मूह रहा, अंत जन्म मरण विच भी पए, पछताए भी जन्म हार के, ते भाई नाम तो बगैर सुख नहीं मिलिया। अज उन्हां महान शहीदों का भी दिन है जिन्हां नूं श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह अपने नाल दिल्ली लेके गए। कल नूं हिंद दी जगत दी चादर, धर्म दी चादर, त्याग दी मूरत, नौवें गुरदेव धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जीआं दा शहीदी दिहाड़ा है, उस पातशाह दा जिन्हों रोज़ आपां प्यार पढ़ने, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किन्नो वड्डो कलू मैं सका, साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सीना उचरी। हिंदुस्तान का बादशाह आलमगीर औरंगजेब काजी नूं सद के कहिंदा है, गुरु तेग बहादुर महाराज नूं डलाउणा औखा है, पहला जिहड़ा नाल सहारा लैके सिख नाल आए ने, पहला सिखा नूं कमजोर करो, क्यों जे सिख डोल गए तां गुरु का भी डोलण का आस हो सकती है, नहीं तां सीधा गुरु नूं नहीं आपां डुला सकते। ये तुहाडा तजर्बा रहेगा, किसी भी जंग विच कमांडर जिहड़ा दूजी फौज पहला कमांडर नूं नहीं पैंदी, पहला थल्लों पैर उखाड़दी। उन्हां कहा पहला सिखां उत्ते अपनी नीति चलाओ, फिर गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह नाल गल करांगे, क्यों जे गुरु दे सिख डोल गए तां गुरु भी कमजोर हो सकदा है।
औरंगजेब बादशाह ने काजी नूं कहा तू अपने तरीके नाल नीति दे तहत गल कर। आ गल ध्यान नाल सुनियो, दसवें पातशाह दे 52 बचनां विच लिखिया गुरसिख नीति पढ़े, गुरसिख नीति पढ़े, उहनूं नीति दा ज्ञान होवे पर नीतियां अपनियां ते ना करे, उहनूं नीति दा ज्ञान होवे नीति पढ़े। गुरसिख गुरु दा सिख ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए, उहनूं पता होवे सामने वाला किस एंगल तों गल कर रहा। काजी औरंगजेब नूं लैके दिल्ली दे चाननी चौंक विच आउंदा है, एक खुंजे वे धन गुरु तेग बहादुर महाराज पिंजरे च बंद ने, तीन खुंजियां वे तीन गुरु दे सिख पिंजरियां विच बंद ने। दिल्ली दे चाननी चौंक विच लोकां दी भीड़ है, आउंदिआं काजी नीति दे तहत गल करके कहिंदा है मतीदास तेरे ते औरंगजेब बहुत खुश है। जदों किसे जुनट नूं तोड़ना होवे एक बंदे नूं कहिंदा तेरे ते खुश है, तुइयो इन्हां चों सियाणा लगदा है, तुइयो समझदार लगदा है, हुकूमत तेरे उत्ते खुश है। आउंदिआं काजी कहिंदा औरंगजेब तेरे ते बड़ा खुश है, असी फैसला कीता भाई मतीदास दी जान बख्श दिओ, फैसला कीता मतीदास नूं सोने दीआं मोहरां नाल तोल दिओ, जिन्ना धन चाहीदा इहनूं सोने दीआं मोहरां नाल तोल दिओ। फैसला कीता हुकूमत ने मतीदास नूं लाहौर दा सूबेदार पंजाब दा गवर्नर ला दिओ, पर बदले विच तैनूं एक गल कहनी पैणी, बदले विच तैनू एको ही गल कहनी पैनी, आ चीजा तैनू दे देंगे। माफ करो अपन संसार परिवार नाल कारोबार नाल दुनियावी तौर पर हर बंदा जुड़िया होया है, मनुखी शरीर की पहली नीड लोड़ यह रहिंदी है वे पैसा सब कुछ है, पैसा कोल है जो मर्जी खरीद लो, जे पैसा कोल है जमीन खरीद सकते हो, पैसे नाल पदार्थ खरीदे जाते हैं, पैसे नाल बंदे खरीदे जाते हैं, पैसे नाल सरकारां खरीदियां जांदियां ने, पैसे नाल बहुत कुछ मिलता है, पर याद रखियो पैसे नाल सब कुछ नहीं मिलता। पैसे नाल बहुत कुछ मिल सकता है, पैसे नाल सब कुछ नहीं, बंदे की पहली लोड़ है पैसा ही। पर जिंदगी विच एक दिन समझ आउंदा है पैसा सब कुछ नहीं है, पता कदों, जदों बंदे दी जान उत्ते आ बने ना, फिर डॉक्टर अगे पैसा सुट के कहिंदे डॉक्टर साहब जान बचा लो, पैसा जिन्ना मर्जी लग जाए बंदे दी जान बचनी चाहीदी है, जमीन बेच दांगे सोना बेच दांगे पैसा जिन्ना मर्जी लग जाए जान बचनी चाहीदी है, क्योंकि जान है तां जहान है। लोकी कहिंदे जे जान बच गई पैसा होर कमा लांगे, इहदा मतलब पैसे तो उत्ते जान है, पर जान सब कुछ नहीं है, जान तो उत्ते भी कुछ है। जान तो उपर की है तुहाडा तजर्बा रहेगा, जान तो उपर है सुख। जे जिंदगी विच सुख ना ना मिले लोकी जान गवा लैंदे ने, जे सुख ना मिले आत्महत्या कर लैंदे ने, जे सुख ना मिले सुसाइड कर लैंदे ने, सुख ना मिले बंदा आत्महत्या कर लैंदा है। आ कोरोना विच बॉलीवुड दे कई एक्टरां ने आत्महत्या कीती है, अरबां की जायदाद छड के सुशांत शर्मे ने आत्महत्या की, अज तक इनकुआरी चलती है, अरबां की जायदाद होने के बावजूद आत्महत्या क्यों? इहदा मतलब जिंदगी विच सुख नहीं मिलिया। जिहनूं सुख ना मिले वह कहिंदा जी के की लैणा है, इहदा मतलब जान तो उपर है सुख, पर सुख सब कुछ नहीं हुंदे, सुख तो उत्ते भी कुछ हुंदा। हुण सुख तो उपर की है ये कहानी संसार चो नहीं समझ आएगी, यह गुरु को समझ आएगी। पैसा सब कुछ है, जान सब कुछ है, सुख सब कुछ है, यह दुनिया की कहानी है। जदों गुरु तक पहुंचोगे फिर पता लगेगा सुख सब कुछ नहीं है, पैसा जान ते सुख सब कुछ नहीं, सुख तो उत्ते भी कुछ है, वह गुरु को समझ आ। अज भाई मतीदास नूं तीन ही चीजां दित्तियां जा रही ने, औरंगजेब कहिंदा जान बख्शी, औरंगजेब कहिंदा जिन्ना पैसा चाहिदा दे दिओ इहनूं, औरंगजेब बादशाह कहिंदा सुख दे दिओ, राज दे दिओ, लाहौर दा पंजाब दा सूबेदार गवर्नर ला दिओ, तिन्ने चीजां दे दित्तियां। पर बदले च एक गल कह, पता कि गुरु तेग बहादुर महाराज वल उंगल करके कह दे
मैं गुरु तेग बहादुर साहब की सिखी छड़ी। भाई मती दास रोह विच बोले कहिंदे काजी ते बादशाह औरंगजेब मती दास की जबान तो चीरी जा सकती है पर मती दास की जबान तो यह नहीं अखवा सकते मैं गुरु की सिखी छड़ी। हुण काजी पुछदा तैनू गुरु तेग बहादुर साहब ने की दिता है, असी तेरी जान बख्श रहे हैं, पैसा तैनू तेरे बराबर तोल के सोना दे रहे हैं, तैनू सुख लैण लई राज दे रहे हैं लाहौर का, असी इन्ना कुछ दिने हैं, तू ठोकर मार रहे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब ने तैनू की दिता है, हुण समझ पएगा सुख तो उत्ते भी कुछ है। की है भाई मती दास साहब बोले कहिंदे औरंगजेब जेड़ा सुख दिल्ली दे तख्तां ते बह के नसीब नहीं हुंदा, जेड़ा सुख राजियां नूं राज गद्दियां ते बह के नहीं मिलदा, वह गुरु दे चरणां च सेवा करके मिल जांदा है। इसलिए गुरु दे चरणां दी सेवा नहीं छड्डी जा सकती, गुरु दे चरणां दी सिखी नहीं छड्डी जा सकती, राज भाग पैसा जान नूं ठोकर मारी जा सकती है। भाई मती दा साहब ने शरीर तो उपर की गल करके कहा हमारा धन जिहड़ा तू धन दे रहे तां नाशवान है, यह तो शरीर मरिया खत्म हो जाना है, जिहड़ा गुरु ने दिता वह शरीर तो अगे भी जाना है। कहिंदे हमारा धन माधो गोविंद तरणी तर यह सार धन कहिए जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है। जेड़ा सुख गुरु की सेवा विच है वह राज ते बह के गद्दियां ते बह के सुख नहीं। औरंगजेब ते काजी दियां अखां चुक गईयां, कहिंदे जबान तां चीरी जा सकती है पर गुरु की सिखी नहीं छड्डी जा सकती। औरंगजेब ने कह दी जबान ही चीरो फिर ता सिर तो आरा रख के अध फाड़ दो शरीर दो फाड़ कीता है, जीव चिरी गई ते तवा री कहिंदी है दो टोटे होण तो बाद भी शरीर विच्चों रहिंदे जपजी साहब की आवाज आउंदी रही, सिखी वख नहीं कर सके। दोनों तन ते जपजी पढ़े देखत सब को आश्चर्य बड़े, सब हैरान हो गए टोटे होण तो बाद भी जपजी साहब का पाठ हो रहा है। साध संगत इस संसार तो अगली गल है, अज श्री गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश कर दे कहने भाई जिन्होंने समझ नहीं पई वो अंत पछताउंदे ने नाम तो बगैर सुख नहीं हुंदा। एथे कमावे सो फल पावे मन मुख है पत खोई, जिहड़े एथे दी कमाई विच ही रह गए पैसा मिल जाए आ कुछ मिल जाए आ कुछ मिल जाए संसार दियां लोड़ां च रह गए वो एथे कमावे सो फल पावे, की फल पाया मन मुख रह गए पत गवा लई रब दा नाम नहीं कमा सके। जिनी गुरु दे शब्द सिख्या दी कमाई कीती ओ दरगाह विच वी पतवान होए। जमपुर कूर अंधार महा गुबार ना तिथे पैण ना पाई, कहिंदे जदों जम आके मुंह विखाउंदे ना जम जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लखाए मलक जे कन्नी सुनी दा जिहड़ी मौत कन्ना नाल सुनी ना व्योदी हो गई ओ मौत हो गई ओ भी मर गया। जिद्दन कहिंदे तैनू मौत ने मूंह विखाउणा ना उद्दन वेखी कोई भैण भरा उत्थे कम नहीं होना तेरे। जदों जमपुर भाव अंध कोर गवार उदों नेरा छा जाणा है, जदों मौत ने मूंह विखाउणा है जित दिहाड़े धनवरी साहे लै लखाए मलक जे कन्नी सुनी दा मूंह दिखा लै आए जिंद ने माणी कढ़ी है हड्डां को कड़काए साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए। अज कहिंदे जमपुर कोर अंधार उत्थे नेरा ही नेरा नजर आउणा है महा गुबार होर कोई दिसेगा नहीं, ना तिथे भैण ना भाई तेरा कोई कमाया भी कम नहीं आउणा कोई भैन भाई भी उत्थे सहाई नहीं होना। एहो शरीर जजरी है इसनो जार पहुंचे आई, इसलिए गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश कर दे शरीर नाशवंत है
ਇਹਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਤਾਥੀਐ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਟੀਐ ਸਚੜੈ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਭੁੱਲੇ ਅੰਤਨ ਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਜੈ, ਅੰਤਨ ਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਜੈ, ਅੰਤਨ ਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈਲੀ ਜੈ, ਅੰਤਨ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜੇ ਤਨ ਤਪਸ਼ੋ ਤਾਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹੀਓ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਸਮਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਭੈਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਏਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਪੁਰਖੀ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਤਾਥੀਐ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਈਓਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜੋਂਗੇ, ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਕੀ ਸਮਝ ਪਈ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ।
ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਉਹਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ। ਪੜੋ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਤਾਂ ਥੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲਹਿ ਮਿਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਨ ਆਗੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਿੱਖੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ। ਏਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਬੰਜਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ। ਕਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 8-8 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਚਲੋ 6 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ, 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ, ਕਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਲੰਘੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਲੰਘੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜੇ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਗ ਕਹੀਦਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਦੇਨ ਮੋਹ ਜਾਏ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਏ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁੱਲਦਾ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਤੀਆ ਸੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਫਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਰ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਕ ਸਮਾਏ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਅੰਕ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਿਰ ਕੇ ਅੰਕ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜਈ
किस आगे कहिया जाए। कहने भाई ओदे बराबर दूजा होर कोई नहीं है, फिर केदे अगे जाके कोई पुकार करे, उस तो वड्डा होर कोई भी नहीं है। ओ सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए। जिन्हां नू सतगुरु बुझाए भाव अकल दे दिंदे ने, मत बख्शिश कर दिंदे ने, कृपा करके ओनू बुझाई अकल बख्श दिंदे ने, फिर वो सदा ही सच्चे नूं सलाउंदे रहिंदे, हर काम विच उहदी सिफत सलाह करदे। वो तां भोजन दी बुरकी खाण लग्गिआं वी कहिंदे, जिस दा दित्ता खावणा तिस कहिआ शाबास। वो तां छकण लग्गिआं वी कहिंदे, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए। सौण लग्गिआं कहिंदे, जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर। इसलिए सदा ही ओनू फिर सलाउंदे भाव ध्याउंदे हन। जिनी सचड़ा सच सलाहिया हौं तिन लागो पाए। कहिंदे उन्हां दे चरणां च नमस्कार, चरणां च लगीए किन्हां दे भाई, जिनी ये शरीर लै के सच्चे दी सिफत सलाह दित्ती, जिन्हां ने रब नूं सच्चे नूं याद कीता, जेडे किरत घण नहीं होए, बेमुख नहीं होए, ये शरीर लै के विकारी नहीं होए, कंचन वर्गे नवे नरोए मुल पा गए। से जन सचे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए। कहिंदे ओ जन सच्चे होए, निर्मले होए, उन्हां नूं मिलण वालेयां दी वी मैल उतर जांदी। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जल। जिहनूं रब दा ज्ञान हो गया उहदे कोल बह के वी बंदा मैल तों रहित हो जांदा, ते जिहड़ा आप मैल है ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਪੰਜ ਦਸ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਪਏ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਲਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਫਲਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਵਸਨ ਕਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤੋ ਕਛ ਲੱਗੇ ਦਾਗ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੱਚੈ ਸਰ ਨਾਏ, ਸੱਚੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਭਾਈ ਤੁਮੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ, ਅਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਸੱਚੜਾ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਜਿਨੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ, ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਤਿਨਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤਿਨਾਂ ਕਹਿ ਹੋ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਨ ਹੋ ਆਪ ਸੋਹਣਿਓ, ਪਰ ਚਿਣਗ ਹੋ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਣਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ,
कदे वेख्यो गुरु रामदास साहिब दे लंगर बनाउण वाले भी धन धन रात तक 12-12 बजे भी फिर रिज दियां दालां रख के इत्थे इत्थे ऐ नहीं वे 7 बजे बने 8 बजे बने इत्थे 12 बजे भी चुल्ला राती मलदे आ भाई बनाउण वाले भी धन छकण वाले भी धन छकाउण वाले भी धन कदे बर्तना की सेवा करते वेख्यो इत्थे कल्ला नमस्कार करन वास्ते नहीं लाइन च लगना पैंदा बर्तन धोण की सेवा लैण ले भी लाइन च खलोना पैंदा इत्थे सेवा वाले भी धन आपां कर नहीं सकते करन वालियां तो बलिहार जाइए एक पंक्ति कहो प्यार नाल फिर समाप्ति है हो कुर्बान जाऊं मेहरवाना हो कुर्बान जाओ हो कुर्बान जाओ हो कुर्बान जाओ तिना के लैण जो तेरा नाओ हो कुर्बान जाओ तिना के गज के हो कुर्बान जाओ तिना के हो कुर्बान जाओ तिना के हो कुर्बान लैण जो तेरा ना लैण जो तेरा ना आखो सतनाम श्री हो कुर्बान जाऊं तिना कह लैण जो तेरा नाओ लैण जो तेरा नाओ तिना कहो सत कुर्बान जाऊं इनिया बेनतियां प्रवान करो पुलचुक की खिमा कोटान कोट शुक्र सतगुर जिया का गुरु रामदास महाराज जी सीस ते मेहर भरिया हथ रख के सेवा लेंदे ने आप संगत की चरण तोड़ नाल साडा भी जीवन जन्म सफल होवे आखरी पंक्तियां दा पाठ सर्वण करो फिर समाप्ति है जी आनंद न भगत करहे रंग राते नानक सच समाए जिन्हें सचड़ा सच ते आया हाँ तिन कै लागू पाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।